झाबुमो नेता हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार 31 जनवरी की रात गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर भी दाखिल कर दी गई है, जिस पर कुछ देर में सुनवाई होनी है। ये सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी के बेंच में होगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी संगठन आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन को ईडी दोपहर में कोर्ट में पेश कर सकती है। हेमंत सोरेन ने ईडी की हिरासत में 31 जनवरी को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया था। उनकी जगह नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। चंपई सोरेन को महागठबंधन झामुमो कांग्रेस राजद के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। माना जा रहा है कि चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन ने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है, यह एक विराम है, जीवन संग्राम है, हार नहीं मानूंगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।